सब बच्चों के मन में अभी एक सवाल आ रहा है, और वो एक सवाल जो कि इतना ज्यादा मतलब लोगों को ऐसे बौखला रहा है, यार मैम मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट हुआ, मैं मॉक टेस्ट कैसे दूं? राइट, तो इसके लिए मैं 2 मिनट का वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ, सिर्फ 2 मिनट का, आपको बताने के लिए कि यार क्या करना चाहिए। राइट, ऑब्वियसली बात है, सबको लग रहा है मैम मेरा, मैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कहाँ से दे दूं, कैसे दे दूं, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं मॉक टेस्ट देती हूँ मुझे सैड लगता है, मुझे डिप्रेस्ड हो जाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे, तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना चाहिए नहीं? तो प्रॉब्लम क्या है यार, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अब टेस्ट का क्या करें? राइट, टेस्ट में तो हमारे नंबर कम आते हैं, जब नंबर कम आते हैं तो हमें स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी होता है, अब हमें लगता है हम क्या करें, कहाँ जाए, कैसे करें, एग्जाम में क्या करें, राइट, क्योंकि हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहे बिकॉज हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले एक सीधी बात, एब्सोल्युटली नो बकवास बता दूं, ये सिलेबस आपका 3 या 4 मई को भी खत्म नहीं होगा, उस लेवल का कॉन्फिडेंस कि चलो टेस्ट देकर आते नहीं आएगा। अगर आप जबरदस्ती अपने को टेस्ट देने नहीं बिठाओगे, सिलेबस कभी खत्म नहीं होता, ह्यूमन नेचर है, आप मान लीजिए, आपको हमेशा लगेगा मैं और थोड़ा पढ़ सकती हूँ, और बेटर कर सकती हूँ, राइट, मैं चलो और थोड़ा पढ़ लेते, और मेहनत कर लेते, सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। टेस्ट देने से क्या होगा? टेस्ट देने से एक आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी, आपको पता चलेगा भाई आप 3 घंटे में पेपर कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वरना आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, मैं एग्जाम हॉल में एग्जाम कंडीशन में टेस्ट देना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम, बैठ के पेपर सॉल्व करना, असली में पेपर सॉल्व करना, असली में क्वेश्चन सॉल्व करना, राइट, दिस इज एग्जाम हॉल में, मैं बता रही हूँ सबसे ज्यादा क्रिटिकल चीज है, आपको आपके वीक एरियाज पता चलेंगे, जिन पे वर्क जब तक नहीं करोगे फिर बोलते हो मेरा स्कोर स्टक क्यों है, वीक एरियाज पे काम करोगे तभी स्कोर इंप्रूव होगा, वो वीक एरियाज आपको टेस्ट देने से ही पता चलेंगे। टेस्ट देने से आपके सामने आपकी सारी सिली मिस्टेक्स आ जाएंगी जिनको फिर आप इंप्रूव कर सकते हो, टेस्ट देने से आप सारी ओएमआर में जो गड़बड़ करते हो इनको फिर आप इंप्रूव कर सकते हो, टेस्ट देने से आपको हर हफ्ते थोड़ा स्ट्रेस एंजाइटी होगा टेस्ट से पहले, जिसके साथ आप लर्न टू डील करोगे, टेस्ट देने से एटलीस्ट बाय फोर्स तो आपका रिवीजन होगा, टेस्ट देने से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा क्योंकि हर हफ्ते आपको कुछ पढ़ना है, टेस्ट देने से एग्जाम हॉल की जो नर्वसनेस होती है वो खत्म होगी, टेस्ट देने से आप एलिमिनेशन तुक्का लड़ाना सीखोगे। तो भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर, सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, पर ये जो 360 डिग्री टेस्ट के फायदे हैं, टेस्ट देने से आपको आपकी रियल पोजीशन पता चलेगी, वरना आप सोचते जा रहे हो मुझे आता है या नहीं आता, तो प्लीज टेस्ट दो, टेस्ट देने से ही सब कुछ होगा, टेस्ट दो दो दो, गिव टेस्ट, तभी आपको पता चलेगा आप असली में कितने पानी में हो, प्लीज गिव टेस्ट, राइट, मत घबराइए, मत डरिए, कोई खाने वाला नहीं है आपको, बट प्लीज इंश्योर कि आप टेस्ट दे रहे, दैट्स माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट, कोई प्रॉब्लम है रीच आउट टू मी, ये चैनल बना ही आपके लिए है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।